एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू चौहान। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं खबर निवाड़ी से। निवाड़ी के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि दो बच्चों समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, दो बच्चों सहित तीन लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर निवाड़ी से, जहां पर पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो बच्चों समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सागर जिले में गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। वहीं नगरीय विकास और आवास भूपेंद्र सिंह ने सीएम शिवराज की अगवानी की है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय समाधि स्थल परिसर में भी सीएम शिवराज पहुंचे, जहाँ डॉक्टर गौर जयंती के अवसर पर पुरस्कृत उपकरण और नैनो प्रौद्योगिकी भवन का लोकार्पण किया। सेना पर टिप्पणी कर फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा विवादों में गिर गई हैं। देश भर में उनके खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी एक्शन मोड में आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सेना को लेकर किया गया अभिनेत्री ऋचा चड्ढा का ट्वीट विवादों में आ गया है। देश भर में ऋचा चड्ढा के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। नेता से लेकर अभिनेता तक ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट को सेना का अपमान बताया है। वहीं इस विवाद की अब मध्य प्रदेश में भी एंट्री हो गई है। एमपी में अभिनेत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को फटकार लगाते हुए सेना और सिनेमा में फर्क समझने की भी सलाह दी है। ऋचा चड्ढा जी, ये सेना है, सिनेमा नहीं। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में अंतर होता है। आपकी सेना की टिप्पणी देश के राष्ट्रभक्तों को आहत करने वाली है। कभी -45 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में, 30 टेम्परेचर